अब इस तक इसका सारा सब सेटअप खोल रखा है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं वो आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ इसमें किया जा रहा है वो लगा रहे हैं हैंड गार्ड, और हैंड गार्ड जो है वो काफ़ी बेस्ट लुक दे देता है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। वैसे यूनिवर्सल है, किसी भी स्कूटी पर लगवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी स्कूटी पर लगवा सकते हो। इसके अलावा इस नेक्स्ट आइटम है वो है हैंड ग्रिप, और हैंड ग्रिप कुछ इस तरीके से, इसमें आपको जो है वायरेंट्स मिल जाते हैं मेटल के, बट ये जो है ना ये निकल जाएंगे, ये इसलिए निकलेंगे क्योंकि गाइस इसमें ना हैंड गार्ड लगा रहे हो आप, और अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो लगा भी सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस है। बाकी यहाँ पर ये दोस्तों ये है इसके स्टॉक, और ये है कुछ इस तरीके से लुक आएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं, और इसमें हल्का सा आपको मेटल का भी वर्क मिल जाता है। इसके बाद है ये है फॉग लाइट, इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, एक मिलता है येलो और एक मिलता है वाइट, यानी कि वाइट तो आपको पता ही है, बाकी येलो जो है वो आप फॉग में, बरसातों में और कोहरे वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो गाइस। इसके अलावा फॉग लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विच है, जिस तरीके से वो टू इन वन लाइट है, ये टू इन वन स्विच है, यानी कि एक स्विच है और इससे आप येलो भी चला सकते हो और वाइट भी, और बीच में रखोगे तो ये ऑफ रहेगा, ये देख सकते हो। नेक्स्ट आइटम है वो है सिमटेक का हज़ार, जिसमें आपको एक साल की गारंटी मिलती है, और 40-50 तरीके के डिज़ाइन में जलेंगे आपके इंडिकेटर, और साथ ही में यहाँ पर एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, ये दोस्तों हैलोजन का फोकस ब्राइटनेस होती नहीं है, तो यहाँ पर एलईडी बल्ब, और इस बल्ब के अंदर भी करीब 40-50 एलईडी बल्ब्स हैं, ये देख सकते हो आप, ये जो है इसका फोकस आप देख सकते हो, और ये प्रॉपर तरीके से नाइट नहीं है, जब प्रॉपर तरीके से अंधेरा होगा तो ये और ज़्यादा इसका फोकस ग्लो। अब सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ कंप्लीट, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे। सो गाइस मॉडिफिकेशन थी वो तो हो चुकी है कंप्लीट, और काफ़ी रात भी हो गई है, और इसमें मैं आपको फोकस दिखा पाऊंगा फॉग लाइट का भी, और ब्राइटनेस वगैरह दिखाऊंगा हैंड गार्ड की कैसी है, और सेंटर लॉकिंग जैसे कि मैंने आपको दिखाया था तो मैं बताता हूँ सेंटर लॉकिंग का फीचर क्या है। जैसे मान लो पहली बात तो ये आपको इसमें मिल जाती है दो की, ये देखो कुछ इस तरीके से, और इसको अगर हम लॉक कर देते हैं, ये देखो जैसे शेड छेड़ेंगे ना, ये दो क्या करती है, तो ये साइरन क्रिएट करेगी, ये देख सकते हो, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। अगर मान लो पार्किंग में आपकी स्कूटी लगी है और आपको नहीं पता कहाँ लगी है, यानी कि आप कहीं खड़ी करके चले जाते हो और जो पार्किंग वाले वो कहीं और खड़ी कर देते हैं तो आपको मिलती नहीं, तो उस केस में आप ये बेल वाला बटन दबा सकते हो, प्लस एक बटन दबा कर उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे अगर सेंट्रल लॉकिंग बाइक में लगा रहे हो तब भी, और स्कूटी में लगा रहे हो तब भी, तो ये दोनों तरफ से काम करता है, और वन टाइम यूज़ कर सकते हो एक चीज़, यानी कि अगर आप की यूज़ कर रहे हो तो फिर की यूज़ करते हो, सेंट्रल लॉकिंग यूज़ कर रहे हो तो फिर सेंट्रल लॉकिंग, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते आप। तो इसको नॉर्मली ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं फोकस, जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर हैंड गार्ड है, और हैंड गार्ड में आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये इंडिकेटर आप वाइट ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। साथ ही में लगाया गया हैजार्ड, जिसमें आपको एक साल की गारंटी मिलती है, और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए हैजार्ड के आप इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करते हो तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं, और इसमें आपको मिलते हैं करीब 40-50 तरीके के पैटर्न, और साथ ही में लगाया गया इसमें एलईडी बल्ब, ये देख सकते हो फोकस, देखो जो मैंने आपको एलईडी बल्ब दिखाया था ना शुरू में, तो ये वही वाले बल्ब है, और अब देखो इसका नॉर्मल इंडिकेटर का फोकस, ये देखो गाइस, और अब देखो फोकस हैंड गार्ड की लाइट का कितना बढ़िया है, देख सकते हो गाइस, और ये यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक में किसी भी स्कूटी में आप लगवा सकते हो। फॉग लाइट जैसा कि मैंने आपको दिखाई थी और स्विच दिखाया था, देखो फॉग लाइट तो यहाँ पर माउंट कर दी गई आपके मिरर पे, और यहाँ पर लगा रखा है स्विच इसका, और लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, और आप देख सकते हो आईडी के लिए इसका फोकस, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो, वैसे तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई काफ़ी, बाकी प्रॉपर अंधेरे में आप जाओगे तो और ज़्यादा फोकस होगा, ये देखो गाइस, ये देखो, तो ये येलो और वाइट दोनों हैं, और फॉग का जैसे इसका नाम ही फॉग लाइट है, तो ये फॉग में और बरसातों में आप यूज़ कर सकते हो, अगर इसको ऑन करके चलते हो तो एक्सीडेंट के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, और रास्ता भी, यानी कि रोड आपको व्यू पूरा दिखता है, ये रास्ता कुछ इस तरीके से है गाइस, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बाकी जब आपको ऑफ रखना हो तो आप भी रख सकते हो। भाई गाइस ये थी एक्टिवा 6G लेटेस्ट मॉडल है, और बिल्कुल न्यू है भी, एक दो दिन हुए इसको लाए हुए, और यहाँ पर मैंने आपको ग्रिप दिखाई थी, ग्रिप भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक कर रही है, बाकी काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, ये काफ़ी जो है स्कूटी से मैच होता हुआ है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, बाकी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, चाहे आपके पास कोई भी स्कूटी हो और किसी भी कंपनी की हो तो चेकआउट कर लेना। मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज होंडा एक्टिवा।